गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। वेलकम स्टूडेंट्स इन गोल इंस्टीट्यूट। यहां पर आज हम लोग एनटीए का सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनटीए की साइट पे डिफरेंट क्वेश्चन सेट नीट के रिगार्डिंग दिए गए हैं, तो यहां पर हमारा इंस्टीट्यूट इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया है। तो वन बाय वन हम लोग उस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो आपके सामने यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है, तो उन फोर ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वही क्यों करेक्ट है, बाकी जो थ्री आंसर्स रॉन्ग है तो वो क्यों रॉन्ग है उनको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को जब नीट में एग्जाम आप दें, नीट का एग्जाम आप दें, तो उन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सके और एकदम राइट आंसर पर वन टाइम में ही आप क्लिक कर सके। तो इसके लिए हमारे गोल इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एनटीए का जितना भी टेस्ट पेपर है उसका डिटेल में सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए सेट वन, एनटीए का सेट वन में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन अगर हम लोग लें, तो इसमें क्वेश्चन में बोलता है आपसे कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो पहले हम लोग ये समझें कि सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब आप इसको वाटर में डालते हैं, तो वाटर में जब आप इसको मिलाते हैं, वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं, तो ये हाइड्रेट हो जाता है, और हाइड्रेशन के बाद इसमें क्या फॉर्म होता है, हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास फॉर्म होता है। तो यानी कि पहली बात क्या हुई, सेटिंग कब हुई, जब इसका आपने हाइड्रेशन कराया, और हाइड्रेशन कराने से इसने क्या फॉर्म कर लिया, हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास फॉर्म कर लिया। कहते हैं कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जितना भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, इसका जितना भी वेट लेंगे उसका थ्री टाइम्स, इसके वेट का थ्री टाइम्स अगर आप वाटर लेंगे और उसमें अगर आप मिक्स करेंगे, देन हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास का फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास विद इन 10 to 15 मिनट एक ये हाइड्रेटेड मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या क्या वर्ड मैंने यूज किया कि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, कितना वाटर होगा, जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस का मास होगा उसका थ्री टाइम्स वाटर आपको लेना पड़ेगा, और जब उसको मिलाएंगे तो क्या फॉर्म करता, हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास, क्लियर। और वही जो है 10 to 15 मिनट के अंदर सेट कर जाता है। तो देखिए कहां वर्ड आपको मिला, पहला जो ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण तो कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड बोलता है कि ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते ही है CSO4.5H2 होता है, तो वहां पे किसी प्रकार का ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ नहीं होता। देन यानी सेकंड आंसर भी हमारा गलत हुआ। थर्ड आइए कॉम्बिनेशन विद एटमॉस्फेरिक CO2, इससे भी कोई लेना देना नहीं है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एंड फोर्थ ऑप्शन लिखता है हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट। यस, यही वर्ड मैंने यूज किया था कि जब आप सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब क्वेश्चन आए कि सेटिंग क्यों होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रेशन, यानी इसको पानी में मिक्स करते हैं, और वो क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास फॉर्म करता है, जो कि 10 to 15 मिनट में एक हार्ड मास फॉर्म कर लेता है। तो बेस्ट आंसर इस चारों ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है, फोर्थ आंसर दिख रहा है। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट। अनदर हाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेटेड प्लास्टिक मास, क्लियर। तो ये आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम, एन के ऊपर 3-, ओ के ऊपर -2, एफ के ऊपर -1 आर रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को आप देख करके आप लोग के दिमाग में ये आया होगा कि हमें क्या इसका डाटा याद करना है। तो पहली बात, आपको कोई डाटा इसका याद नहीं करना है। क्यों सर, इसमें आंसर जो भी दिए हैं वो तो डाटा वाइज दिए हैं, यस, बट थोड़ा सा आप दिमाग इसमें यूज करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। समझिए एन के ऊपर -3, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है
और माइनस थ्री का मतलब इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन एड हो गए, तो अगर हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन लिखें तो एन के ऊपर माइनस थ्री के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टेन हो गए। देन आइए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू, यहां आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास एट है एंड माइनस टू का मतलब हो गया इसमें टू इलेक्ट्रॉन और एड हुआ, तो एट प्लस टू इट मीन्स यहां पर भी टेन टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट है एफ माइनस, तो एफ माइनस आपको पता है कि एफ का यानी फ्लोरीन का एटॉमिक मास है नाइन और वन माइनस आया तो इट मीन्स कितना हो गया टेन, तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टेन। तो आप देखो जो ये तीन स्पीशीज आपको क्वेश्चंस में गिवन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में आपको ये कहा गया था कि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा निगेटिव साइन आएगा या चार्ज आएगा उसका रेडियस उतना बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से। इसी बात को आयन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ई एन सी इट मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा एटम के केस में, क्यों, क्योंकि एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑब्वियस है कि हर बार इसका आंसर एटम के केस में वन ही आएगा, क्लियर। तो लेकिन अगर आयन के केस में और स्पेशली अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है उसमें आप यूज करेंगे तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहीं पर इनका ईएनसी भी फाइंड कर लें, तो आपको पता है एन के ऊपर माइनस थ्री तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए यहां पर, बट प्रोटॉन तो नहीं बढ़े ना, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई 7, तो 7 हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हो गया 10, आंसर 0.7। ये जस्ट मैथमेटिकल वैल्यू है, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि यही इसका आंसर होगा, मतलब कहने का मतलब ये कि इस प्रकार से ईएनसी केवल आयन के केस में आप चेक कर सकते हैं, ये एक आइडिया जनरेट करता है आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में रेडियस को समझने के लिए, समझ में आया। तो अब देखिए यहां पर आइए ओ के ऊपर माइनस टू, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने प्रोटॉन होते हैं, कब, जब एटम का केस होता है, लेकिन आयन के केस में ये इलेक्ट्रॉन कम भी हो सकते हैं एंड ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा आयन बन रहा है। अगर कैटायन बन रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, बट अगर एनायन बन रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां पर एनायन का केस है, तो देखिए 7/10 ये हमारे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। इसको देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन तो 8 ही होने हैं एंड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे तो आपको पता है 10, तो 0.8 हो गया। नेक्स्ट आइए एफ के ऊपर माइनस वन, एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, तो आंसर 0.9 आया। और आप ये बहुत अच्छी तरह से ये आप समझते हैं कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एटॉमिक रेडियाई उतनी कम। तो अब आप देखिए अगर आप एन के ऊपर माइनस थ्री में ईएनसी देखिए तो आंसर है 0.7, जबकि अगर आप ओ के ऊपर माइनस टू में ईएनसी देखेंगे तो आंसर है 0.8 एंड एफ माइनस वन पर अगर आप ईएनसी देखेंगे 0.9। तो सबसे ज्यादा ईएनसी आपको कहां देखने को मिल रही है, एफ माइनस पर, इसका मतलब सबसे छोटा साइज एफ माइनस का होगा, उससे बड़ा ओ के ऊपर माइनस टू एंड सबसे लार्जर होगा एन के ऊपर माइनस थ्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि ईएनसी जितना ज्यादा एटॉमिक साइज यानी रेडियाई उतनी कम। तो अब करना क्या है आपको कि आपको सीक्वेंस तो यही दिया हुआ है एन माइनस थ्री ओ के ऊपर माइनस टू एफ माइनस वन, तो एन माइनस थ्री पर ईएनसी सबसे कम है तो इसका सबसे ज्यादा रेडियाई होगा, यानी एन के ऊपर माइनस थ्री की सबसे ज्यादा रेडियाई,
कहां पे इनमें तीनों में अगर आप देखो तो 1.71 सबसे बड़ा है, देन उससे छोटा कौन है, ओ के ऊपर -2, तो यहां तो सेकंड नंबर पे 1.36 लिख रहा है एंड थर्ड नंबर पे 1.40 लिख रहा है, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी रेडियाई एन के ऊपर -3, उससे छोटी ओ के ऊपर -2 एंड सबसे छोटी हो जाएगी एफ के ऊपर -1, तो सेम सीक्वेंस यही होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा। तो फर्स्ट में क्या है, सबसे बड़ा तो लिखा था बट सेकंड में 1.36 एंड 1.40 लिखा, यानी सबसे छोटे को बीच में रख दिया जबकि वो गलत है। तो आप देखो यही सीक्वेंस, सेकंड तो आपको ऐसे दिख रहा है कि सबसे छोटे को पहले लिखा है इसलिए सेकंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड आइए, यहां पर भी सेम मिस्टेक उसने कर दी कि फर्स्ट में ही सबसे छोटे को लिख दिया इसलिए ये भी गलत। एंड फोर्थ आंसर को देखिए, सबसे बड़ा पहले, देन उससे छोटा एंड देन सबसे छोटा, इट मींस इन फोर ऑप्शंस में जो फोर्थ ऑप्शन आपको है, फोर्थ ऑप्शन जो आपको गिवेन है, दैट इज द बेस्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एन के ऊपर -3 का साइज जो कि सबसे बड़ा है, तो वहां पर ऐसे ही सीक्वेंस को फॉलो किया है इसने। तो आपने देखा ना कि कहीं पर भी आपको डाटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाए, और जो यहां पर अरेंजमेंट होगा आयंस का, उसी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होना चाहिए ऑप्शंस में, बस आंसर आ जाएगा। देखिए एक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन कंपाउंड्स ऑफ टाइप ECl3 वेयर E इज इक्वल टू बी, बी मीन्स बोरॉन, पी यानी फॉस्फोरस, As मीन्स आर्सेनिक एंड Bi मीन्स बिस्मथ, द एंगल ऑफ ClECl फॉर डिफरेंट ER इन ऑर्डर, एंड ये फोर ऑप्शंस आपको गिवन है। इट मीन्स यहां पे जो क्वेश्चन है वो बॉन्ड एंगल को लेकर के है, तो बॉन्ड एंगल को निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लें डिफरेंट ECl3 के फार्मूले में। तो देखिए ECl3 यहां पर लिखा हमने ECl3, अब E की जगह अगर B रख दें तो क्या बन जाएगा अपना BCl3 बन जाएगा, P रख दें तो क्या बनेगा PCl3 बनेगा, AS रख दें तो ASCl3 बनेगा एंड Bi रख दें तो BiCl3 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब आइए अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको फार्मूला सबको पता है H=1/2V+M-C+A, ये फार्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एंड सेकंड इसका मेथड होता है कि अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर पता है तो उसमें आप सेंट्रल एटम के में जितने वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एंड जितना उसके ऊपर लोन पेयर है उनको एड कर लीजिए, देन हाइब्रिडाइजेशन आप फाइंड कर सकते हैं। कब? जब आपको स्ट्रक्चर पता हो, और अगर आपको स्ट्रक्चर ना पता हो देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आ जाता है। क्लियर? तो देखिए H क्या है, यहां पर सबको पता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हुए, V क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आपको V बताएगा, M क्या है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बॉन्डिंग एटम एंड C क्या है कैटायन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इट मींस किसी भी गिवन फॉर्मूले में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कोई भी कैटायन का केस अगर गिवन है देन वहां पे C की वैल्यू पुट होगी, और अगर कोई भी आयन का केस नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का केस है, तो आपको C की जगह कुछ रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? A क्या है यहां पर, A है एनायन, एनायन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी अगर आपको एनायन का केस गिवन है तो जितना उस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वहां पर आप A की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल, यहां भी एक समझने की बात है, M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट बॉन्डिंग एटम,
हमें केवल उन्हीं बॉन्डिंग एटम को यहां पर हम कंसीडर करेंगे जिसकी वैलेंसी वन हो, जिसकी वैलेंसी टू थ्री व्हाटएवर कुछ भी हो, हम नहीं लेंगे उसको। केवल वन वैलेंसी अगर है तो ही हम लोग एम की जगह उसको पुट करेंगे। क्लियर? तो ये आप इसको नोट कर सकते हो, ये फॉर्मूला है, एंड इसी फॉर्मूले में हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें। क्लियर? और एच क्या बताएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बताएगा। जैसे देखिए यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं और इनका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहां पे निकालते हैं। तो देखिए बी बी बोरॉन हो गया। बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? थ्री। बहुत आसान है, 13 ग्रुप है लॉन्ग फॉर्म में, और मॉडर्न में इसका ग्रुप नंबर है थर्ड ए, और थर्ड ए तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, यानी वी की जगह हम लोग 3 रख दें। ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लोरीन बॉन्डिंग एटम है, एंड आपको पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1। इट मींस आप यहां पर एम की जगह वैल्यू पुट करेंगे। कितनी पुट करेंगे? तो आप देखिए यहां पर कितने सीएल गिवेन है, 3 सीएल गिवेन है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट बॉन्डिंग एटम कितने हैं यहां पर? 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि V की जगह 3 रख दिया आपने, समझ में आया? M की जगह 3 रख दिया, और मैंने बताया कैटायन और एनायन कोई भी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का केस है तो वहां पर कोई भी ना C की वैल्यू रखेंगे और ना ही A की वैल्यू रखेंगे। क्लियर? तो आप देखिए 3+3 6 हो गया, 6 हो गया बाई 2, यानी 3 अगेन आ गया। 3 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब H की वैल्यू इस केस में 3 आ गई। तो एक S का ऑर्बिटल और 2 P के ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। क्लियर? इसमें आइए PCl3 में बात करते हैं। तो PCl3 में सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो यहां पे हमने V की जगह क्या रखा? 5। अब Cl क्या है? अगेन मोनोवेलेंट बॉन्डिंग एटम है, कितने है? 3। तो 5+3 8 हो गया। कोई कैटायन एनायन यहां आपको दिख नहीं रहा है, और 8/2 यानी 4। 4 मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आर्सेनिक, अब आर्सेनिक किस ग्रुप का है? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये ना 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। इसका मतलब ये आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये फास्फोरस वाले ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक में भी होंगे, एंटीमनी में भी होंगे, एंड बिस्मथ में भी होंगे। समझ में आया? तो देखिए यहां पर आर्सेनिक में भी कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है? 5। मोनोवेलेंट बॉन्डिंग एटम कितने है? 3। तो V की जगह 5, M की जगह 3, तो 8/2 4। 4 का मतलब sp3 अगेन। क्लियर? यहां पे आइए बिस्मथ। अब बिस्मथ भी इसी सेम ग्रुप का एलिमेंट है, दिख रहा आपको? तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या होगा? आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 होगा, तो V की जगह आप 5 रख दीजिए। मोनोवेलेंट बॉन्डिंग एटम भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो 5+3/2 आंसर हो जाएगा 4। तो 4 का मतलब क्या हुआ? sp3। एक बात और आपको बताते, इसको हटा रहे हैं हम लोग क्योंकि इसके थ्रू हमने ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लिया। देखिए आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी है, और VSEPR थ्योरी में इसके 5 पॉइंट हैं, 5 और 6 पॉइंट, आप पूरा डिटेल में अगर इसको डिस्कस करें तो आपको मिलेंगे। उसमें से कुछ पॉइंट्स को हम लोग ले रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम लोग इस फार्मूले से जो हाइब्रिडाइजेशन का ये फार्मूला मैंने बताया, इस फार्मूले से आप नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, तो देखो आपको मैंने हम यहां पे लिख दे रहे हैं H की वैल्यू लिख दे रहे हैं H। तो यहां पर H अगर याद हो तो 3 आया, नहीं याद है देखो एक S का ऑर्बिटल, P के 2 ऑर्बिटल, तो ऑब्वियस है कि 3 हो गया। यहां पर H की वैल्यू 4 हो गई, कैसे? S का 1 ऑर्बिटल एंड P के 3 ऑर्बिटल, तो H की वैल्यू 4, यहां पर भी सेम 4, एंड यहां पर भी सिमिलरली 4 ही आएगी। क्या? H की वैल्यू। H क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? देखिए जितनी अगर आपके पास H की वैल्यू आए, जितनी H की वैल्यू आए, अगर उतने ही नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम हैं, तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। फिर से बोले, जितनी H की वैल्यू आए,
अगर उतने ही नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम हैं, तो वहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो देखिए BCl3 के केस में H की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम भी कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं, समझ में आ गया। अब इसमें आइए, H की वैल्यू 4 है, बॉन्डिंग एटम कितने दिख रहे हैं आपको, 3, एच की वैल्यू 4, बॉन्डिंग एटम 3, इसका मतलब कितने कम हो गए, 1, इसका मतलब यहां पे कितने लोन पेयर, 1, समझ में आया भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एच की वैल्यू यहां पर 4 आई, बट उतने बॉन्डिंग एटम नहीं है। सर कौन से बॉन्डिंग एटम, मोनोवेलेंट डाइवेलेंट, सारे सभी को मिला दो, आइदर मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट और कोई भी वैलेंट हो, सबको मिला करके देखना है। तो जितनी अगर एच की वैल्यू है उतने टोटल बॉन्डिंग एटम उतने हैं तो लोन पेयर नहीं होंगे, और जितने कम हैं तो जो डिफरेंस होगा वही नंबर ऑफ लोन पेयर के इक्वल होगा, वही नंबर ऑफ लोन पेयर के इक्वल होगा। तो देखिए H की वैल्यू यहां पर 4 है, बॉन्डिंग एटम यहां पर 3 है, इट मीन्स यहां पर 1 लोन पेयर आ जाएगा। एंड इस केस में भी देखिए H की वैल्यू 4 आपको दिख रही है एंड यहां पर बॉन्डिंग एटम कितने हैं, 3 है, तो यहां पर भी 1 लोन पेयर होगा। एंड यहां पर भी एच की वैल्यू 4 है और बॉन्डिंग एटम आपको 3 दिख रहा है, तो यहां पर भी 1 लोन पेयर होगा, समझ में आया। अब sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120, क्लियर, आपको पता है sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, आसान है निकालना, एक सर्कल में 360 और कितने यहां पर h की वैल्यू 3, तो 360 बाई 3 आंसर 120। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यहां पर अब आपको पता है sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल, क्लियर। sp3 केवल ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें आपको बॉन्ड एंगल लर्न करना पड़ता है, बाकी सब में आपको फॉर्मूले से आपको समझाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको sp2 का सिखाया कि sp2 में टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है, एक सर्कल में कितने हो गए 360 डिग्री एंगल, तो डिवाइड बाई 3 आंसर 120। ऐसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 है, सर्कल में एंगल 360 बाई 2, द आंसर इज 180। तो वहां पर sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता तो बॉन्ड एंगल 180 हो जाता। कभी भी अगर हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल आ जाए तो वहां पर दो टाइप के बॉन्ड एंगल दिखाए जाते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो वो कभी हम लोग क्वेश्चन होगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहां पर देखिए, तो इन सबका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इन सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि है यहां पर, इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए, बट VSCPR कहती है कि अगर लोन पेयर आ जाए तो जितना बॉन्ड एंगल होता है उससे बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण। समझे, VSCPR थ्योरी में आपने पहला पॉइंट पढ़ा था, लोन पेयर रिपल्शन सबसे डोमिनेंट था, सेकेंड था लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड थर्ड था बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्लियर। तो आप देखिए कि जितना हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए और अगर वहां पे लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितने ज्यादा लोन पेयर है बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। बट यहां पर सब में बॉन्ड एंगल 1 ही है, अब प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, कोई बात नहीं, VSCPR के अगले पॉइंट पे चले। क्या कहता है VSCPR का अगला पॉइंट, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सब पर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ जाएं, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सेंट्रल एटम पर क्या नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए और बॉन्डिंग एटम फिक्स हो, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा, यानी मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम मोर द बॉन्ड एंगल। बट ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई करेंगे, जब सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ लोन पेयर फिक्स हो
और साथ में बॉन्डिंग एटम भी फिक्स हो, तब आप सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करेंगे। समझ में आया? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, तो बॉन्ड एंगल भी वैसे वैसे डिक्रीज होगा। क्लियर? अब आप देखो फॉस्फोरस, क्योंकि यहां तो फिक्स है sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 है, बट फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड बिस्मथ ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है। फॉस्फोरस ये रहा, आर्सेनिक ये रहा, बिस्मथ ये रहा। और आपको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, ऊपर से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इन तीन केस में फॉस्फोरस यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि फॉस्फोरस का बॉन्ड एंगल यहां ज्यादा होगा। आर्सेनिक उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो और कम होगा, एंड बिस्मथ सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसलिए बिस्मथ में जो BiCl3 का बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होगा। तो अगर ऑर्डर देखा जाए तो BCl3 का सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ 120 के आसपास है और इन सब का बॉन्ड एंगल 109°28' से क्या है, कम है, लेस देन है। तो लेस देन है इससे बॉन्ड एंगल, क्योंकि लोन पेयर है। और यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। तो आंसर देखिए कहाँ मिल रहा है, पहला बोरॉन का सबसे ज्यादा, देन फॉस्फोरस, इनका इक्वल नहीं होगा, रीजन आपको पता चल गया, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। सेकेंड आइए, बोल रहा है बोरॉन का सबसे कम है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, रीजन आपको दिख रहा है। थर्ड आइए, बोरॉन का फिर बोला यहाँ पे सबसे कम है, ये तो बिल्कुल गलत है। फोर्थ देखिए, बोरॉन का सबसे ज्यादा, एकदम सही, उसके बाद फॉस्फोरस, क्लियर, आर्सेनिक एंड सबसे कम बिस्मथ। तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज 4। तो आपको समझ में आया किस प्रकार से हमें किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है? आप बोले सर इतना टाइम लग रहा है, टाइम हम आपको समझा रहे हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, विद इन 30 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए NTA ने ये टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज कराया है और हमारे गोल इंस्टीट्यूट ने इसका डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसकी स्टडी करिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, देन अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में बोला है उसने विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट। अब ये कैसे पता चलेगा सर फ्री स्टेट में कौन रहता? बहुत आसान है, जो मेटल पैसिव हो, कम रिएक्टिव हो, या इनर्ट हो, या नोबल जिसको आप कहते हो, वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। क्योंकि जो मेटल रिएक्टिव होंगे वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ तो बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और भी जो जो चीजें हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर लेंगे, तो फ्री स्टेट में कैसे होंगे? बहुत सिंपल सी बात। और आप देखो 4 ऑप्शंस, आयरन, पता आयरन कभी फ्री स्टेट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयरन मेनली जो पाया जाता है वो हेमेटाइट के फॉर्म में, Fe2O3.XS2O, समझ में आता है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा गोल्ड, गोल्ड नोबल मेटल है, आपको पता है गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए हम लोग इसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, क्योंकि नोबल मेटल के कैटेगरी में इसको रखा गया, दो ही हम लोग लेते हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, तो ये नोबल मेटल है, तो फ्री स्टेट में तो यही रहेगा। थर्ड ऑप्शन एल्यूमिनियम, पता ही है ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये तो क्रायोलाइट के फॉर्म में भी Na3Lf6, और भी इसमें हम लोग लेते हैं, हम लोग एल्यूमिना लेते हैं, बॉक्साइट लेते हैं, तो इसके फॉर्म में ये पाया जा रहा है। सोडियम तो जानते हैं बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, एटमॉस्फेरी में ओपन कर दे, पानी में डाल दो, ये तुरंत एक्सप्लोजन कॉज कर देता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहां पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है फ्री स्टेट में, तो फ्री स्टेट में क्या देखना है हमें, जो नोबल मेटल हो, कौन है? सेकेंड आंसर देखते ही आंसर, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+ फेरिक आयन इज। तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट n n+2 bm, bm क्या है, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटॉन, क्या मतलब है bm का, बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट है, क्लियर। n क्या है यहां पर, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं,
तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और देखना उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस। तो फेरिक आयन की बात करता है तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कॉन्फिगरेशन होगा 4s2 3d6। बट यहां इसने फेरिक आयन बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि थ्री इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। तो सबसे पहले कहां से निकलेंगे, आउटर मोशन 4s से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए एंड 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा। देन कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 4s0 3d5। किसका कॉन्फिगरेशन, फेरिक आयन का कॉन्फिगरेशन हो गया 4s0 3d5। अब क्या करेंगे आप 3d5 में, इसको ड्रॉ करेंगे डी ऑर्बिटल को 1 2 3 4 एंड 5। आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं एंड हमें कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने, 5। और आपको पता है कि पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के सारे ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए जाते हैं। तो जब आप 1-1 इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में सेम स्पिन के फिल करते हैं तो आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन जो ये फिल हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं, 5। इट मींस एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5। और जब एन की वैल्यू 5 हो गई तो आप यहां पे क्या लगा दें, मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले में एन की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5 + 5 + 2 bm। तो कितना हुआ ये, अंडर रूट 35 bm। और 35 को आप सॉल्व कर लें तो 5.92 आ जाता है एग्जैक्ट सॉल्व करने पर। तो ये आंसर हो गया इसका सिंपल। चौथा आपको, हमको जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिख भी रहा है यहां पर, इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, फार्मूला पता है, डायरेक्ट वैल्यू आपने पुट करी, आपके सामने आंसर है। समझ में आइए, देखिए क्वेश्चन, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ENDI इथिलीन डाई एमीन। ठीक, आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है cis PTNS3 whole thrice Cl3, सेकंड trans PTNS3 whole thrice Cl3, थर्ड cis CuEn whole thrice Cl2, trans CuEn whole thrice Cl2। देखिए पहले फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि NS3 इज मोनोडेंटेड ligand एंड ऑल्सो क्लोरीन इज ऑल्सो मोनोडेंटेड ligand। अगर मोनोडेंटेड ligand का केस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 कोई भी हो, तो ये सबके लिए फार्मूला वैलिड है क्या जो बताने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको जनरल फार्मूले में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, MA3B3 ± N, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपने NS3 को अगर आपने यहां पे ले लिया, A ले लिया एंड B यहां पे जो जाएगा, Cl जो जाएगा वो B हो जाएगा, आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। तो MA3B3। अब आप देखिए यहां पर, सुनिएगा जरा आराम से, ये जो A और B आपके सामने मोनोडेंटेड लाइगेंड है, मोनोडेंटेड नॉट बाइडेंटेड, बाइडेंटेड के केस में ये फार्मूला वैलिड नहीं है। तो करेंगे कि आप ये जो लाइगेंड आपको गिवन है, आप इसकी पेयरिंग करवाइए, क्या करवाइए, पेयरिंग करा के इसको अरेंज करिए। तो A3B3 आप कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट टाइप तो हमको ये समझ में आ रहा है, AA AB एंड BB हो गया। देखिए 3A आया और 3B आ गया, एक तो ये अरेंजमेंट होगा। सेकंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है, AB AB AB। और कोई आपको थर्ड अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये GI2 होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होंगे। देखिए रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो ये कॉम्बिनेशन है वो ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जितने टाइप के आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जितने टाइप के आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलते हैं उतनी ही GI होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो आपको देखो एक ये टाइप मिला और एक ये टाइप मिला, समझ में आ गया, तो दो टाइप मिला तो दो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। और आपको देखो ये लिख भी रहा है सेम फार्मूले का सिस एंड सेम फार्मूले का ट्रांस, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो यहां पर सिस और ट्रांस पहचान लेंगे। सर क्वेश्चन में तो ऑप्टिकल पूछा था, आप सिस और ट्रांस के पीछे क्यों पड़े, यस अगर क्वेश्चन में OI पूछे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछे, तो सबसे पहले GI ही देखा जाता है, सबसे पहले GI ही देखा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही देखा जाता है, समझ में आया। अब आप देखो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक, OI है कि नहीं है, OI देखने के लिए क्या करना है कि एक ही पेयर में सेम लाइगेंड नहीं होने चाहिए, एक ही पेयर में सेम लाइगेंड नहीं होने चाहिए,
ऐसा केस या इसी का दूसरा बीबी, ये नहीं दिखना चाहिए। तो यहां पे देखिए ए ए सेम लाइगेंड एक ही पेयर में दिख रहा है, तो इसलिए यहां पर नहीं होगा। सेकंड, अगर डिफरेंट लाइगेंड एक ही पेयर में है लेकिन लेकिन उसका रिपीटिशन हो जाए, मतलब ए बी एक बार आया एंड सेकंड टाइम भी ए बी आ जाए, थर्ड टाइम छोड़ दो, सेकंड टाइम ही अगर कहीं आपको ए बी दिख जाए, इट मींस वहां पर भी ऑप्टिकल नहीं होगी। यही दो केस हैं ओआई को चेक करने के। क्या केस है? कि सेम लाइगेंड एक पेयर में नहीं होना चाहिए, जो कि आपको फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन का ओआई पॉसिबल नहीं है, क्लियर। एंड सेकंड वाला केस आप देखो, इसमें डिफरेंट लाइगेंड तो है बट इनका देखो रिपीटिशन हो गया ना, तो ओआई नहीं है, सिंपल हो गया। ये मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ, आप तुरंत विद इन सेकेंड इसका आंसर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये तो आंसर ही नहीं है। अब आइए सर, ईएन बाइडेंटेड लाइगेंड, तो इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। इथिलीन डायमिन आपको पता है कि ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? यहां पे देखिए सीओ इथिलीन डायमिन क्या हो गया, डोनर एटम नाइट्रोजन होगा, है ना, होमो बाइडेंटेड लाइगेंड का केस है ये। इथिलीन डायमिन हम लिख दे फार्मूला CH2 NH2 एंड ये NH2, डोनर एटम ये नाइट्रोजन एंड ये नाइट्रोजन, इसका एब्रिवेशन क्या है EN, इस प्रकार से लिखा जाता है, क्लियर। तो देखिए हमने यहां पर EN लिखा, ये इसकी दो वैलेंस, ये EN दिखा दिया एंड इधर EN दिखा दिया, और क्या बचा 2CN, तो ये दिखा दिया। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये ट्रांस का केस आपको दिख रहा है, कौन सा ट्रांस का दिखा ना, ट्रांस। अब इसी का अगर आपको सिस बनाना है तो क्या करेंगे, ये इधर लगा दिया EN, ये इधर EN यानी वैलेंसी एंड ये CN हो गया, ये हो गया सिस का केस। अब आप देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या देखते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। तो यहां पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा इस केस में, यानी फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। कि क्वेश्चन पूछा है कि एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो योर आंसर इज 3, बिकॉज ये देखिए ये अबव द प्लेन एंड इधर ये बिलो द प्लेन, ये ऑन द प्लेन, इसका मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, देन आंसर हो जाएगा इसका 3। समझ में आया, बहुत आसान था ये आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन में बोलता है हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो आपने पढ़ा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर में वाटर का भी कॉन्सेप्ट दिया है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर की बात करता है। तो आपको पता है कि वाटर के अंदर हार्डनेस किसके कारण आती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण आती है। ये कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में सिंपल लाइन में गिवन है, तो आप इसको पढ़ लेंगे कि हार्ड वाटर जो हार्डनेस है वाटर की, और ये आप बहुत लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, वाटर में जो हार्डनेस है वो कैल्शियम सॉल्ट एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण वाटर के अंदर हार्डनेस आती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण अगर हार्डनेस आती है तो आप देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा। पहला इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आपको पता है कि जो कैल्शियम का जो सल्फेट है और मैग्नीशियम का जो सल्फेट है वो इनसॉल्युबल होता है, पता है आपको। तो इसी के कारण ही यहां पर ये रेडिएटर क्या कर जाएगा, ब्लॉक कर जाएगा रेडिएटर, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। आपको पता है सॉल्युबिलिटी आपने एस ब्लॉक में पढ़ रखा होगा कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट होंगे वो क्या होंगे, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इस कारण और इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर जो लैटिस एनर्जी है वो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है। लैटिस एनर्जी जब भी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगी, किससे ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी से। समझ में आया, बस बाकी तो कोई मतलब ही नहीं, सोडियम के कारण तो कोई हार्डनेस आती ही नहीं है, फॉस्फेट का कोई चक्कर ही नहीं है, पोटेशियम का भी कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात, यह ऑप्शन तो आपको फर्स्ट ही दिख गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कली मेटल दैट रिएक्ट विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड। यस, फर्स्ट ए ग्रुप की जितने मेटल्स होते हैं वो नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते डायरेक्टली,
जबकि सेकेंड ए ग्रुप के यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी लाइन एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं फॉर्म करते। सेकेंड ए ग्रुप नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। बट फर्स्ट ए ग्रुप में जो लिथियम होता है उसकी डायगोनल रिलेशनशिप है किसके साथ? लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप आपने पढ़ रखा है। तो डायगोनल रिलेशनशिप होने के कारण लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप में केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है और उसका रीजन क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए अगर यहीं तक आप दिखाएं एंड फोर्थ ए भी दिखा दें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? लिथियम सोडियम बस सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ही हम ले रहे हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम थर्ड ए में क्या हो जाएगा? बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन। तो आपको पता है लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। ऐसे सिमिलरली बेरिलियम के एल्यूमिनियम एंड बोरॉन आप जानते ही हैं। तो लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ होने के कारण सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसमें केवल देखी जाएगी? लिथियम में। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं या मेटल हैं वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। जरा देखते हैं चार ऑप्शन में। पहला ही आंसर आपको दिख रहा है लिथियम, ये होगा आंसर। बाकी पोटेशियम सोडियम एंड रूबिडियम ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम लोग एनटीए टेस्ट का आपको और भी इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।